अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, टेक्निकल बुट्टा 786 चैनल में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है, टाइपिंग के हवाले से है कि आप लोग टाइपिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से टाइपिंग स्टार्ट करें, शुरू में कौन से स्टेप आप लोग करेंगे और टाइपिंग बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो उसके लिए व्यूअर्स चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ में बेल आइकन का बटन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। तो चलते हैं वीडियो कम तो चलते हैं व्यूअर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लिया। जैसे ही टाइपिंग मास्टर को ओपन किया वो पूछ रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर हम लोगों ने जो सेव पहले नाम किया हुआ है उसको हम इंटर करते हैं। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आप न्यू यूज़र भी लिख सकते हैं, इंटर कर दें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइपिंग के हवाले से हमारे पहले 4 लेसन हो चुके हैं। आज हम लोग करते हैं पैराग्राफ ड्रिल, ठीक है। 3 से 5 मिनट का टाइम लगा हुआ है, इसको हम करते हैं ओके। ये ओके इसको कर देते हैं। और कल भी हमारा यही था लेकिन आज इसमें नए लफ्ज ऐड हो रहे हैं 2, तो इसको हम ओके करते हैं। यहाँ पे स्पेस करते हैं, इसको आप लोगों ने क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है। तो इसी तरह आप लोग दोस्तों लिखते चले जाएं, आप लिखते चले जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा, ये हम लोगों ने पहले कर लिया था, तो हम इससे भी आगे नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा से टाइपिंग मास्टर ओपन करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये हमारा जो लेसन था हमारा 1 हो गया था कंप्लीट। अब लेसन हमारा आ गया है टाइपिंग मास्टर की तरफ से, लेसन 2 है। लेकिन हमें ये यहाँ पे हम लोग पहले हमारे जो 4 अल्फाज थे वो दोस्तों कम्प्लीट हो गए थे, ASDF और GH को छोड़ के, JKL और सेमी कॉलन, ठीक है। और आज से हम 2 मेन लफ्ज और मिल गए हैं, एक ई वाला और एक आई वाला। तो दोस्तों आप लोग जैसे हम लेफ्ट हैंड की ASDF पे रखते थे और JKL और सेमी कॉलन पे हम राइट हैंड की फिंगर रखते थे, तो अब हम लोगों ने 2 ऐड करने हैं। तो उसके साथ हाथ की उंगलियों के निशान भी वो शो करवा रहा है। तो आपने ई किस उंगली से लिखनी है, लेफ्ट हैंड की बड़ी उंगली से, और राइट हैंड के जो है वो आपने किस पे लिखनी है, आप लोगों ने लिखनी है एल। आप लोग आई आप लोगों ने किसके साथ लिखना है, वो लिखना है राइट हैंड की बड़ी फिंगर के साथ, ठीक है ये दोस्तों। तो चलते हैं हम लोगों ने इसको लिखना शुरू करते हैं। तो लिखा सबसे पहले ई, उसके बाद आई, उसके बाद फिर ई आई स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम डी ई स्पेस डी ई स्पेस के आई स्पेस के आई स्पेस ई डी स्पेस आई के स्पेस आई के स्पेस। तो जैसे कि दोस्तों मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखें तो बहुत ही जल्द आप लोग अपनी टाइपिंग इम्प्रूव पाएंगे। ये बिल्कुल बिगनर के लिए है, जिन्होंने टाइपिंग शुरू से की ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है टाइपिंग किस तरह की जाती है और टाइपिंग कहते किसको है, ये उन लोगों के लिए है स्टार्ट से सीखने का तरीका। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वाली वीडियोस टाइपिंग की जो लिस्ट पड़ी है उसमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों की 25 से 30 स्पीड पहले ही मौजूद है और वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, आप लोग वो देखें। और उसमें काफ़ी अच्छी टिप्स मैंने बताई थी कि टाइपिंग आप लोग किस तरह अपने 70-80 की पर मिनट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर दरकार होगी लेकिन स्पीड आप लोगों की बन जाएगी और बहुत अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये आप करें, 1 से 1.5 घंटा रोज़ाना करें, 2-3 दिन तक, जिसे जैसे आपको लगे कि आपकी ये उंगली जो है वो याद हो गई है आप लोगों को, तो आई पे कौन सी उंगली जानी है और डी के ऊपर कौन सी उंगली आपकी जानी है, कौन सी फिंगर यूज़ करनी है आप लोगों ने, तो वो आप लोगों को ही पता होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करेंगे।
ये एक वैध टाइपिंग है जिसको आप जब तक करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। फिर बाद में ये ना कहना कि टेक्निकल बुट्टा 786 चैनल वाले जो दोस्त थे उन्होंने हमको टिप्स सही नहीं बताई। टिप्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे दोस्तों, आप लोग टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह आप लोग दोस्तों करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप लोगों की इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो आज हमारे ये दो न्यू करेक्टर यूज़ हो रहे हैं, और शुभों की जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी कुछ और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप करते जाएंगे और आपकी टाइपिंग इम्प्रूव होती जाएगी। तो जब दोस्तों आप लोगों की 30-40 की टाइपिंग हो जाएगी, 25-30, उसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बताऊंगा, ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग टाइपिंग करेंगे तो आप लोग कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, और आप लोगों की टाइपिंग बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।